जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। इमरान खान साहब तो बड़ी बातें कर रहे हैं कि नौकरी दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, गुर्बत मिटाऊंगा। गुर्बत नहीं मिटाएगा, वो गरीब मिटाएगा। सर आवाम पे पड़ रहे, उनको क्या, उनको तो कुछ बहुत चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठे, उसको क्या गरीब बंदा रो रहा है। हम जी भी सकेंगे इस महंगाई में यार, मतलब रोटी एक जो मीडिया कर रहा है उसका तो रोटी भी पूरी करनी मुश्किल है, और गरीब आदमी जो है उसका क्या बनेगा, ये अलग बेहतर जा। काश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इन असल सवालों पर ध्यान देते तो उनके देश की ऐसी खराब हालत नहीं होती कि उनको भीख का कटोरा लेकर दुनिया में घूमना पड़ता। हम सिर्फ इंटरेस्ट दे रहे हैं इस कर्जे पे, जो इंटरेस्ट है वो हर रोज 6 अरब रुपया है। इसका मतलब ये है कि हम जब तक अपनी कर्जों की किस्तें अदा करते हैं, अपनी डिफेंस नीड्स को पूरा करते हैं, तो हमारे पास मुल्क चलाने के जो डेवलपमेंट के लिए पैसा है उसके लिए हम अब मजीद कर्जे लेते हैं। तो ये है क्लासिक डेट ट्रैप। पाकिस्तान की माली हालत कितनी खराब है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वहां के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने बड़े कारोबारियों से मुलाकात की, वो भी कराची के सेना हेडक्वार्टर में। कहा जा रहा है कि ये इमरान खान के लिए खतरे की घंटी है, उनकी कुर्सी पर सेना की तलवार लटक रही है, भले ही वो अपनी आतंकी सेना के जितने भी कसीदे पढ़ें। मैं नरेंद्र मोदी को यहां से आज पैगाम देता हूं कि आप एक्शन लें, आपकी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तैयार है पाकिस्तानी फौज? पाकिस्तानी फौज नहीं तैयार, सारी कौम तैयार है, कौम लड़ेगी फौज के साथ। तारीख दुनिया की बताती है कि अपने से बड़ी बड़ी फौजों को शिकस्त दे चुके। अभी भी वो एफएटीएफ के तहत ब्लैकलिस्ट होने वाला था, लेकिन चीन ने थोड़े दिनों के लिए उसको आर्थिक सांसें दे दी, लेकिन ग्रे लिस्ट में होना उसकी बर्बादी की कहानी लिखता है। हम आपको पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति के बारे में बता देते हैं। पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर पिछले साल की 5.5% की तुलना में गिरकर इस साल 3.3% हो गई, और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगले साल ये 2.4% पर पहुंच जाएगी। इमरान खान की ताजपोशी के बाद पाकिस्तान पर 7.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। सिर्फ एक साल में इमरान खान ने 2,80,000 करोड़ का विदेशी कर्ज लिया है। 4,70,000 करोड़ रुपए का कर्ज पहले से है। पाकिस्तान पर चीन का ही 47,000 करोड़ का कर्ज है, जिसे 2022 तक चुकाना होगा। वैसे ही IMF का 20,000 करोड़ का कर्ज भी उसको अगले 3 साल में ही चुकाना है। आलम यह है कि आज पाकिस्तान के हर नागरिक पर 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इस पर से पाकिस्तान ने भारत से नाहक दुश्मनी मोल लेकर अपनी ही मुसीबतें बढ़ा ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को पानी रोकने की चेतावनी देकर समझा दिया कि नहीं माने तो अनाज पैदा करना मुश्किल हो जाएगा। हिंदुस्तान के किसानों के हक का पानी, हरियाणा के किसानों के हक का पानी 70 साल तक पाकिस्तान जाता रहा, ये मोदी पानी को रोकेगा, आपके घर तक लाएगा। और मैंने काम शुरू कर दिया है, क्योंकि ये पानी पर हक हिंदुस्तान का है, इस पानी पर हक हरियाणा के किसान का है, राजस्थान के किसान का है, और इसलिए आपके लिए मोदी लड़ाई भी लड़ रहा है। लेकिन इमरान खान गरीबी से लड़ने की जगह दुनिया के फोरम पर भी हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही चिल्लाते रहते हैं। You very kindly wanted to mediate in this. And you also said that both of us, India and Pakistan, has to agree to mediation. But unfortunately, India is refusing to talk to us. So in this situation, I feel that this is the beginning of a crisis.
I honestly feel that this crisis is going to get much bigger what is happening in Kashmir. कोई भी समझदार आदमी इस बात पर जोर देता कि नेता के रूप में अपने देश की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी, लेकिन कभी बल्ले से देश को क्रिकेट में जिताने वाले इमरान ने अपने कंधे पर आज अपनी सेना की आतंकी बंदूक रख ली है। कंधा इनका है, बंदूक सेना की और बर्बादी पाकिस्तान की। आज तक ब्यूरो।